हेलो हेलो एंड वेलकम टू द बीना डिकोड्स। आज बहुत ही एक्साइटिंग एक दिन है। मम्मी तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है, पैकिंग कर रही है। इट्स लाइक अ पिकनिक ऑफ सॉर्ट्स, बट एक्चुअली पिकनिक नहीं है। मैं दिखाती हूँ मम्मी कर क्या रही है। मम्मी बना रही है लुई पुई का खाना। तो ये है दाल चावल आज का मेन्यू, और स्मैश किया हुआ है। इसमें है एप्पल प्यूरी, मतलब बॉइल्ड एप्पल को बस बहुत अच्छे से मिक्स करके रखा हुआ है। छान लिया। मैं बता रही हूँ, ये दाल चावल, थोड़ा सा ऑर्गेनिक चावल लिया और बारीक बारीक जो दाल है मूंग दाल, वो लेके कुकर में अच्छे से बॉइल किया। उसके बाद उसको उससे अच्छे से स्मैश करके मतलब मिक्सी में स्मैश करके, उससे थोड़ा सा इतना सा दाना रहेगा तो उसके गले में अटकता है, करके उसको खिलाते हैं। बस इसमें नो नमक, थोड़ा सा ऑर्गेनिक घी, नथिंग else। और ये है एप्पल, जिसको उबाल के मम्मी छन्नी से ऐसे ऐसे करके छान लेती है तो एकदम पीस जाता है, तो वो है। और ये हम लोग कर रहे हैं पैक। मैं जितना मम्मी को बोल रही हूँ दूध ले लेते हैं या होटल में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पर मम्मी नहीं, घर का ही खाना मैं लेके जाऊंगी। मैंने बना लिया तो सुबह सुबह उठ के मम्मी ने खाना वाना लुई पुई का बना लिया। तो बात ये है कि हम होटल जा रहे हैं। तो हम क्यों जा रहे हैं होटल, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली आइकिया जाना है। तो इससे पहले एक व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग को फ्लैट एक मिल गया है। मिल तो गया है लेकिन वो एम्प्टी है, और यहाँ पे जो भी मैंने घर बनाया है आपको पता है मैं मोस्टली फिक्स फर्नीचर है। तो जैसे ये पूरा किचन आप देख सकते हैं, तो ये फुल्ली फिक्स फर्नीचर है। अगर मैं चाहूँगा तो मैं इसको उखाड़ के तो लेके नहीं जा सकती हूँ। ये जैसे एक किचन टेबल जो आप देख सकते हैं, तो ये भी फिक्स फर्नीचर है, तो मैं इसको भी लेके नहीं जा सकती। मेरे कमरे में जो कबर्ड है वो भी फिक्स फर्नीचर है, तो मतलब ऐसे मैं निकाल के तो लेके नहीं जा सकती। कितनी बार बोला निकाल के लेके नहीं जा सकती, दैट्स द रीजन। नए घर में नया फर्नीचर चाहिए, इसके लिए मैं जा रही हूँ आज आइकिया टू सी इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन गेट स्पेशली। आइकिया में एक्चुअली क्या करते हैं, मेजरमेंट लिया था उस दिन, याद है? तो मेजरमेंट के हिसाब से वहाँ पे किसी के साथ बैठ के मैं लैपटॉप में अच्छे से मैं बनाऊंगी कि मेरा कबर्ड कैसा होगा, उसमें खांचे क्या होंगे और उसका लुक कैसा होगा, उसमें कितने कंपार्टमेंट्स होंगे। तो ये सब कुछ आज मैं बनाऊंगी, खरीदूंगी नहीं। खरीदते 3-4 दिन में डिलीवरी हो जाता है, 3-4 दिन के अंदर डिलीवरी लेके मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हम लोग को ये फ्लैट नहीं मिलने वाला है, दिसंबर में मिलेगा। तो इसीलिए मैं सब कुछ बना के रख रही हूँ, जस्ट इन केस बाद में मैं नहीं जा पाऊँ, तो इसीलिए आज का ये फंडा। लेकिन मैंने अभी बोला कि होटल जा रही हूँ, तो मैंने आइकिया का बोला, आई डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द होटल। तो होटल भी मैं इसीलिए जा रही हूँ, आइकिया यहाँ से काफी दूर है। 2 घंटा अगर ट्रैवल करके आइकिया गई, उसके बाद आइकिया में घूमने में भी टाइम लगता है, 2 घंटा वहाँ पे भी लग जाएगा, उसके बाद वापस 2 घंटा ट्रैवल करके आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बाजू में होटल है तो वहाँ पे रुक जाएंगे आज रात को, कल सुबह आएंगे। बता दिया, ये है आज का प्लान। और साथ में मैं लियाना को भी लेके जा रही हूँ। हमारा खाना पैक हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, पर लियाना का खाना पैक हो गया, हम लोग चलते हैं। तो मैं जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। तुम तो रेडी नहीं हुई मुझे लग रहा है, तो चलो रेडी होकर आते हैं। हाई फाइव। तो कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये सब कुछ आप लोगों को पता चल गया है। और क्यों इतना जल्दी जल्दी ये सब कुछ कर रही हूँ वो भी मैं बताऊंगी। एक प्रॉपरली मैंने बोला था व्लॉग बनाऊंगी, आते ही मैं क्विकली वो व्लॉग बना के आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इतना हरी भरी क्यों कर रही हूँ। और होटल जाने का और भी मेरे पास बहुत सारे वो है, यू नो आई डोंट हैव अ बाथटब एट होम। तो मुझे बहुत मन है कि मतलब होटल में जाके मैं थोड़ा सा बाथटब में हल्का गर्म पानी में सोक करके रखूँ अपने आप को, बिकॉज दैट गिव्स अ लॉट ऑफ बॉडी माइंड सोल को थोड़ा सा सूद करता है। तो इसलिए भी मुझे होटल में जाना है। सो आई एम लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडे। तो चलिए मेरे साथ इस पूरे जर्नी में, एंड आई होप यू विल एंजॉय इट जिस तरीके से हर एक जर्नी पे आप मेरे साथ होते हो। तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। सुबह से रेडी वेडी हो गई हूँ और सोचा निकलने से पहले लगा लेती हूँ परफ्यूम, माय मामा अर्थ। दिस इज कॉल्ड द मी परफ्यूम, मामा अर्थ मी। वैसे जो मी नाम है उसके पीछे का मकसद ये है कि वॉट एवर द स्मेल इज, आप जब इसको अपने बॉडी में लगाएंगे तो आपके स्किन का, हर एक इंसान का एक खुद का स्मेल होता है। उस स्मेल के साथ इस परफ्यूम का स्मेल जब मिक्स होके एक अलग एक स्मेल बनेगा, विच इज यूनिकली यू। इसीलिए इस परफ्यूम का नाम है मी। एंड वैसे देखा जाए मेरे पास ढेरों परफ्यूम है एक्चुअली,
और मुझे शौक है परफ्यूम खरीदने का. राइट नाउ फॉर द लास्ट टू टू थ्री इयर्स मैं बोलूंगी, मैं कोई भी परफ्यूम लगा नहीं रही हूँ, बिकॉज मोस्टली द परफ्यूम्स हैव सिलिकॉन्स, पैराबेंस एंड सर्टन थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ. मैं एंडोमेट्रियोसिस के लिए काफी लंबा वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने बोला था कि जितना आप नेचुरल चीजों की तरफ जाएंगे उतना बेटर है, इंस्टेड ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स. और मामा अर्थ का जो भी प्रोडक्ट्स है, दे आर केमिकल फ्री, दे आर नैस्टीज फ्री. सो इसमें कोई हार्मफुल ऐसी चीजें नहीं है जो शरीर के अंदर सीप इन करके हार्म करेगा. मामा अर्थ के परफ्यूम के बारे में मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, तब उन लोगों ने बस एक ही परफ्यूम लॉन्च किया था. अभी उन लोगों ने चार ब्यूटिफुल परफ्यूम लॉन्च किया है. सो आप देख सकते हैं, देयर इज फ्लोरल, व्हाइट मास्क, ऊद एंड एक्वा. मेरा फेवरेट है एक्वा. सबका यूनिकली एक अलग फ्रेग्रेंस है, मतलब आप जो भी खोलेंगे, जैसे ऊद को आप स्मेल करेंगे तो ऑब्वियसली देयर्स अ वेरी नाइस वुडी स्मेल. ये सारे फ्रेग्रेंसेस आप खुद ट्राई कर सकते हैं बाय गिफ्टिंग योरसेल्फ दिस डिस्कवरी किट. और एक ब्यूटीफुल थिंग है कि आप अगर मामा अर्थ का प्रोडक्ट खरीदेंगे विद माय कोड दबीना 2022, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट. और एक अच्छी चीज है दैट मामा अर्थ हैज प्लेज टू plant 1 million trees. Every time you buy from their website, Mama Earth will link the order of your purchase to a tree that they plant. So, मतलब हमारे country में, हमारे world में बहुत trees की ज़रूरत है, तभी हम लोगों का future जो generation है वो जिंदा रह पाएगा. इसीलिए I would say that it's a great initiative. बात करते करते हाथ हिला हिला के बात करी थी, तो इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और परफ्यूम लगाती हूँ और फिर गाड़ी में जाके बैठती हूँ, साथ में लेके चलती हूँ. वैसे मैं जा रही हूँ, काम तो मेरा ही है तो ऑब्वियसली, लेकिन मैं अकेले तो जाऊंगी नहीं. पहले ऐसा प्लान होता था, कहीं पे भी जाना होता था मैं और गुरु उठ के चले जाते थे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि कहीं पे भी जाने के लिए होता है तो ऐसा लगता है लियाना को तो लेके जाना होगा, उसको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ, तो उसको लेके चली जाती हूँ. और आज भी मैं लेके जा रही हूँ, तो लियाना जा रही है तो ऑब्वियसली मम्मी भी जा रही है और हम नैनी को भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि होटल में हम लोग सोच रहे हैं कि लियाना को छोड़ के नैनी के साथ मैं, गुरु और मम्मी जाएंगे आइकिया, जो भी ऑर्डर देना है या फिर बनाना है कि कैसा बनेगा कबर्ड वबर्ड. सिर्फ कबर्ड बना रही हूँ आइकिया से, बाकी चीजें कहीं और जगह से खरीदूंगी. कोई अच्छा रेफरेंस है तो मुझे ज़रूर भेजिएगा. तो लियाना तब तक रहेगी नैनी के पास, इतना तो मेरा प्लान है. अभी एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो तो जाके ही देखना पड़ेगा, तो चलिए मेरे साथ. पिनू सो गई और हम होटल पहुंच चुके हैं. सेम टू पिनू, तो उठ ही गई. जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे मेटल डिटेक्टर है, तो प्रेग्नेंट वूमेन एंड बेबी इज नॉट सपोज टू पास थ्रू द मेटल डिटेक्टर, इसीलिए हम एग्जिट डोर से अंदर गए. यहाँ बहुत कम हस्ती है, मूड के हिसाब से हस्ती है, मूड के हिसाब से हस्ती है. ये तो नहीं हंसूंगी, हंसूंगी तो बहुत हंसूंगी. मैंने दूसरे बच्चों को देखा कंधे पे सोते सोते पहुंच जाते, सिर्फ यही इसको गोदी में उठाते ही इसकी नींद टूट जाती है. हाँ, लियाना का बेड अभी होटल रूम का बेड जैसा बनेगा. सुपर सॉफ्ट, शी इज वेरी हैप्पी स्लीपिंग इन द सॉफ्ट सॉफ्ट बेड. है ना पिनो, तुमको बहुत अच्छा लगा ना सॉफ्ट सॉफ्ट बेड पे सो के? तुम्हारा क्रिब का बेड हार्ड है ना, उसका गद्दा बहुत हार्ड है ना पिनू को, और अच्छा नहीं लगता उस पे सोना. क्या किया छोटा बड़ा चोकर, क्या किया लियाना, बोली वो बता. लुई पुई लंच डिनर ब्रेकफास्ट सबके साथ खाती है, इसको एक आदत लग गई है. लो अब इसने खाना खा लिया था, लेकिन हमें जैसे ही खाते हुए देखा उसको भूख लग गई, तो
Yes. दे दो, उसको इतनी ही भूख लग रही है तो. अभी लियाना खा रही है घर का बना हुआ उबला हुआ एप्पल, लेकिन थोड़ी देर पहले वो खा रही थी अपने पापा के प्लेट से मैश पोटेटोज. उसको बहुत अच्छा लगा मैश पोटेटो. आज लियाना तुमको बहुत अच्छा लगा मैश पोटेटो होटल वाला? गुरु तुम फर्स्ट टाइम आए हो ना ये वाले आइकिया में? पहली बार आया. तुम लग रहा है तुम फॉरेनर हो, और मेरा कैमरा इतना अच्छा लग रहा है मैं तुमको या मैं फॉरेन में लाई हूँ तुमको. Water? No, nothing. See, Jivita is calling me. वो आने वाली थी पर आई नहीं. हेलो, हाँ जीविता कहाँ है? मैं कब से पूछ रही हूँ कि बीना को अगर आपको मैं उनको कॉल कर रही थी, मैंने फोन नहीं उठा, मैं लोअर में भटक रही थी. अब मैं तुलसी पाइप रोड. गुरु, बिग बॉस ने अब्दू को ये वाला चेयर भेजा है. और छोटा वाला, ये वाला? हाँ. क्यूट है लेकिन. बहुत ही क्यूट है. फाइनली आइकिया पहुंच चुकी हूँ. 777 बार है ये मेरा आइकिया में, फिर भी मुझे अच्छा लगता है. जमीना तुम आराम से कहीं भी मत बैठो. क्यों? टूट टूट जाएगा तो? अरे तो पता चल जाएगा ना कि ये हार्डी है कि नहीं. ये अच्छा है ना बालकनी में रखने के लिए? बोलो. इसका ये अच्छा है, डिजाइन ज्यादा अच्छा है, इससे तुम्हें अच्छा लग रहा है. हैप्पी दिवाली. सिर्फ 3,990 का है. सिर्फ ये मिलने के दो, इसमें चेयर भी मिलेगा. पूछो ना. पसंद आया तुम्हें? बैठ के कंफर्टेबल है? हाँ, कंफर्टेबल है. दिस होल सेटअप विद अ कैंडल एंड ऑल, इट्स लुकिंग नाइस. मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे जो फील है ना, मोमबत्ती अगरबत्ती वाला जो फील है, वो हमेशा अच्छा लगता है. हमने डाइनिंग में तुमसे लड़के मैंने वो वैसा फील दिया, फिर अच्छा मैंने देखा वो मोमबत्ती गायब हो गया वहाँ से, डाइनिंग टेबल से हमारे. क्योंकि जलता भी है ना मोमबत्ती, सिर्फ शो के लिए नहीं है, तो नकली मोमबत्ती है. हाँ तो आई कैसे निकली भी ले जा सकते. देखो तो जलता है कि नहीं. घुमा. बैटरी नहीं है लेकिन जलता है. हाँ तो ये सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा. क्या ले रही हूँ? मैं ये फोटो ले रही हूँ इसका. तो हर बार जो हम हमारे फोटोज को एक अलग पैटर्न में मैं डालती हूँ ना रूम में, इस बार मैं थोड़ा सा इस तरीके से डालूंगी, ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम्स में हमारे फोटोज. ये इट्स लुकिंग नाइस एकदम व्हाइट से तो अच्छा लग रहा है. ये बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम व्हाइट से हम बोर हो चुके हैं. वी आर गोइंग फॉर बेज. और हमारे साथ जीविता आ चुकी है. इस फोन में मेरा मेजरमेंट है, इन्होंने हमारा घर देखा है, ऑलरेडी पता है आइकिया क्या, ऑलरेडी क्या सामान है, उसको हम किस तरीके से इस घर में रीयूज कर सकते हैं. वाओ. से हेज. आज किया. दीदी बोल हेज. मतलब क्या बता? आए नहीं. स्वीडिश. या गर्मी नहीं हो रही है? क्यों? पानी पियो. एसी बंद कर दिया क्या? इट्स सो हॉट. मैंने बोला आइकिया वालों को कि अगर मुझे चक्कर आ गया तो क्या होगा, तो बोला हमारे यहाँ डॉक्टर है. ये कोई बात नहीं. अच्छा डॉक्टर उन लोगों ने रखा, पर इतनी गर्मी मैंने शर्ट उतार दिया. मुझे तो मैं जब आया था दाढ़ी कम थी और बढ़ गई, फिर 4 घंटे से मैं ऐसे बैठा हूँ. गुरु सोचो तो एक कड़क सीट पे बैठ बैठ के मेरी क्या हालत हो रही है. मैं अभी जाती हूँ सॉफ्ट सीट पे बैठती हूँ. लेकिन देवी ना मुझे क्यों बोला, मैं तो देख भी नहीं पा रहा ठीक से. हाँ तो कुछ भी कर सकता है. देख लिया आप लोगों ने, जानबूझ के आंखें बंद करके बैठा हुआ है, और घर जाके जब कबर्ड आ जाएगा तब बोलेगा जमीना ये वाला कबर्ड में ड्रॉअर नहीं है. तुम तो वैसे कर रही हो. किसके जैसे बोला? तुम देख के लगा पुष्पा. लेकिन समझाओ उसे, अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है. अरे वो कहाँ चला गया एसी ऑन करते करते. मैं आपको बता दूँ एक बात, बाजू में भी एक फैमिली बैठी हुई है, और उसमें साथ में जो हस्बैंड बैठा हुआ है उसकी भी हालत मेरी जैसी है. वो भी तब से बोल रहा है मैं जाऊँ. छोड़ते क्यों नहीं, एक बार आते तो इतनी शॉपिंग क्यों करते हैं. तो 5-6 घंटे से बैठे बैठे पढ़ते हूँ. ये दिल से मैं बात कर रहा हूँ. गुरमीत घर जा रहा है क्योंकि उससे और बैठा नहीं जा रहा इधर. तुम बोलोगी तो मैं बैठ सकता हूँ. नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम बैठे बैठे मुझे डिस्टर्ब करो, उससे अच्छा तुम चले जाओ. बाय. पक्का जाऊँ? जाओ तुम, लुईपुई अकेली है होटल. उसी के मारे में पता नहीं था मैं रो सकता हूँ. जीविता को देखो, जीविता कितनी खुश है. जीविता मुझे ड्रॉप कौन करेगा? जीविता को ड्रॉप करेगी पक्का. अच्छा भैया सच सच बताओ, सारे हस्बैंड कैसी हालत हो गई कि मैं अकेला हूँ? यस सो ट्रू. কোথা থেকে এখানে দিয়ে খুঁজলাম, তারপরে তোর
অনলাইনে অর্ডার করার চেষ্টা করলাম, দিতেও পারলাম না। তিনবার একটা হ্যাঙ্গারে অনেকগুলো হো গিয়া হামারা শপিং করনা। শপিং কুছ নেই কিয়া অ্যাকচুয়ালি, I just figured out the sizes of the cupboard जो मैं घर पे लगाऊंगी। बाद में मुझे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा आ पाऊंगी कि नहीं, तो इसीलिए अभी मैंने सारा मेजरमेंट्स वगैरह ले लिया, मम्मी ने पेपर ले लिया। दिस इज़ हाउ यू गेट, यू नो एवरीथिंग इज़ रिटन लाइक दिस। इसके बाद आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये पेपर देख के ही वो चीज़ बना देंगे जो मुझे चाहिए था। हम आए हैं डिनर करने। पिनुड़ी क्लियरली हैज अ ट्रैवल एंड फूड डीएनए इन हर ब्लड। शी इज ड्रिंकिंग चिकन क्लियर सूप और उसके लिए आया है मैश पोटैटो विदाउट सॉल्ट। हाउ लवली इज दैट। और बर्थडे गर्ल हमारे साथ है जीवी, जो अभी आज रात को 50 साल की हो जाएगी। और ये मैं हूँ, मैं भी खा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड अर्ली डिनर। शाम को 7 बजते ही आज हम डिनर करने आ गए। हम तो डिनर कर रहे हैं क्योंकि लियाना का डिनर टाइम हो गया। लियाना को जल्दी सॉलिड फूड स्टार्ट करके, द बेस्ट पार्ट इज अभी हम रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ बैठ के खाना खा सकती है। जस्ट दैट उसके लिए मेन्यू अलग है, लेकिन कर करके चिल्लाते हुए इरीटेट नहीं हो रही है। शी सिटिंग एंड ईटिंग विद अस। अभी फ्यूचर में क्या होल्ड करता है पता नहीं, पर फिलहाल तो एटलीस्ट हम शांति से बैठ के खा सकते हैं। खाना हो गया, डेजर्ट टाइम। इसे चम्मच खाती है। खाना हो गया, सोने का टाइम हो गया इसको। हाँ, सोने का भी टाइम हो गया। इसने अभी इसको एंटरटेन करके थक गई बेचारी है, इसको भी खा लिया जाए। लेट इट गो सुन सुन के ना मेरा कान सड़ गया है। जीविता का बर्थडे है कल और जीविता ने पहले खुद केक काट के खा चुकी है सारा केक। वहाँ पे 3 बड़े बड़े केक्स थे जो वो लोग इवेंचुअली काटने वाले थे। जीविता ने 3 केक काट दिया और सबसे यम्मी था रसमलाई केक। बट जीविता विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। देवीना, जीविता के बर्थडे पे क्या कहना चाहते हो? तुम जियो हजारों साल के दिन हो, 1 करोड़ और एटलीस्ट 2 बॉयफ्रेंड तो मिल ही जाए। जीविता का बर्थडे है, दूसरा केक बच नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश की इस केक में छुपने की, लेकिन जीविता का बर्थडे है तो कैसे बच सकता है। यहाँ पे देवीना भी लगी हुई है, कुछ नहीं छोड़ सकती है अभी। लिसन, मम्मा जरा कस्टर्ड बना रही है। देवीना एक्चुअली सब पीस कर रही है और फिर जीविता खा रही है।